गुरदासपुर के पिंड पाड़ा के दो दिन पहले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों के मौत के मामले के गुरदासपुर तो मौजूदा कांग्रेस के विधायक बरिंदरमीत सिंह पाड़ा के पिता गुरमीत सिंह पाड़ा का नाम जुड़न के नाल यह हत्या का मामला होर भी गरमांदा होया नज़र आ रहा है। उत्थे कल विधायक पाड़ा ने अपने घर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारे आरोपों नकारते हुए कहा कि उन्होंने पिता से झूठा मामला दर्ज किया गया है जिस ते लड़के का कतल होया है उसका उन्होंने परिवार के नाल कोई लेना देना नहीं सी अते सियासी रंजिश के चलते उन्होंने पिता नूं जानबूझ के इस मामले दे विच नामजद किया जा रहा है। उत्थे अज पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की कि इस घटना के नाल जुड़े सारे आरोपियों को जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए और कहा कि उन्होंने लग रहा है कि सियासी दबाव के चलते विधायक के पिता इस मामले तो कढ़िया जा रहा है। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन तो मांग की है कि इस घटना के सारे आरोपियों को सख्त कार्रवाई की जाए। मृतक नौजवान की माता वीना ने दसिया कि उन्होंने बेटा शुभम उर्फ मोटू 25 साल का सी। वह एतवार शाम अपने घर पर ही मौजूद से। इस दौरान आरोपित बोवी निवासी पाड़ा उन्होंने बेटे को अपने नाल लै गया। उन्होंने बेटा रात को घर लौट के नहीं आया। उत्थे इस मामले के मृतक नौजवान की माता का की कहना है वी जरा सुनो। मैं कहना चाहता मेरे पुत्र की हत्या कर दी है। मेरे न्या को जो कराया मेरे शहर ने कराया पड़े सब नाल हो गए कराया जो गलबात जो घर तक सारी गल दसती रही हैं। एतवार फिर दोपहरी फैसला आया 4 बजे मेरे मुड़े को तो बुला कर लैके गए ने सवेरे 6 बजे पता लगे मुड़ा तो मैं रात सारी फोन करती रही मुड़े का फोन नहीं चुकया। मैं थाने गई रिपोर्टा करती रही पर दिंदी रही आने वाले मेरी एक दिन नहीं सुनिया कि जंदे पहले फोन खड़का चढ़ते ही छिड़का दे के फिर चले वापस कुड़ी मेरी प्लस टू पर मीन दो महीने बाहर आई कुड़ी मेरे मापे सारी कुड़ी मेरे पसंजे सस्कार उधर घर आई शायद जो आना धमकी नहीं तुम मार देना सलाम करना ठीक कर देना। मैं कह रही मैं मेरा बड़ा किदा गया किदा नहीं गया जो मैं जाना ये नहीं कहना घर पिंड आंदा रहना कहता भी इन्हें बड़ा करो ना पिंडों बाहर कड़ो ये मुड़े मरवा दो इन्हें छप करो गल करो ना करा दो। जिस दिन मुड़े की डैथ हुई तो पहला की गल हुई थी गल फैसला होया ऐतवार ऐतवार 4 फैसला होया घर आए 8 बजे तक रोटी बनाने भरा आया कुड़ी का मैं भी फैसला हो गया है फैसला हो गया है चल गया कहते मम्मी मैं नहीं आया कहते तुम मैं कहते मंटू गा बाद आई और गए थे बाद बाद डाके गया चल गया बाद में क्या खून चुकया किन्ना खून करा अन्य एक बजे तो मैं फोन करती रही खून नहीं चुकया फिर मैं 5:30 बजे आया मुड़े दो पिंडों कहते थोड़ा मुड़ा उत्थे भेद आया फिर मैं गई उत्थे वे गया मुड़ा उत्थे पहले तो भेद आया मैं सारी जगह गई पर साहब ने किया गुरमीत पाला गुरमीत पाला नाल हो के करवाया उन्हें करवाया उदारी उसकी गलबात ही पिंड भी आया 2-3 बारी मैंने उत्थे बुला के सारे बंदे सामने कहा ਅਤੇ ਕੁੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕਢਾ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਆਦੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਰ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੌਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪਿੰਡ ਪਾੜੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹ
मतलब वो परिवार बयान भी दे चुका है पर्चा दर्ज करने वास्ते भी जो जो ए दोषी ने सारे करने वाले ने साढ़े मौजूदा एम एल ए दे फादर गुरमीत सिंह पाड़ा भी इनवॉल्व ने उन्होंने शह से सारा कुछ होया क्योंकि उन्होंने वो आदि ने गल कर लोगों लड़ा के उन्होंने उकसाते ने मार दौ कुट दौ कर दौ असं थोड़े नाल हाँ जो कर लाँगे इसे सेम इस तरह के परिवार के नाल होया। मैं पहला सारी ब्रीफ बोल चुका बोल के हटियाँ पर इन्ना बिल्कुल दुरुस्त सच्ची गल है तुम कि पिंड जाकर पता कर सकते हो कि यह परिवार इन्होंने एक लगभग डेढ़ महीने तो भगौड़ा किया है। ये दो मुंडा भी पहले इन्हों की आपस जो मुंडे का डैथ हुई है ये महल्ले की एक कुड़ी अपने बजगा बरादरी संबंधित इन्हों का आपस फिर चलता ही वो डेढ़ महीना पहला घरों भजे ही इन्होंने फड़ भी ले 10 दिन बाद वो बाद कुड़ी मार्केट थोड़ी बारी करके छड़िया कुड़ी अपने घर भेजता सहरे वो कुड़ी भी साढ़े चलो अप दलित परिवार साढ़े अपने गुआढ़ ने साढ़े बड़े पुराने आन जान साढ़े घर काम कुम करते आते हैं उन्होंने कुड़ी घर भेजता पर यदि पेश पे रहे वो परिवार जोड़ा आ वो गुरमीत सिंह नाल मिल के इन्हों हरासमेंट करता मुंडे मारन की धमकियां देंदे ही घरों भजाता इन्हों घर जिंदरे लवाते एक जवान इन्हों की बच्ची है 16-15 साल की वो पिछे पे ही इन्हू चुके लै जाओ यदी नूँह चुके लै जाओ इन्हू मारकुट करते अक्सर चलता रहता काम तो हूँ ये जिमें इन्हें बयान दसाया कि मतलब मुझे दरखास्त दी मैं मारकुटाई होंगी है वो थाने इन्हों बुलाया ऐतवार इन्हों की गलबात करा के इन्हों की गलबात करा के तो इन्होंने भेजता तो रात में उस रात में मुंडा एक बुला के लै गया तो बाहर जाके इन्हें सवेरे अगले दिन नैक्सट डे वेख्या दिन मुंडा मर्डर होया पाया ही जी जी मुंडे की लाश सवेरे मिली आ जी जमीन सी वह भी ये पाड़ा परिवार के गुरमीत सिंह के सगे चाचे की जमीन आदि जमीन में डेड बॉडी मिली आ इन्हों पुछो भले मानसो जे तुम पिंड मोहतार समझते हो अपने MLA समझते हो तो फर्ज नहीं बनता है कि डेड बॉडी जाके चुको पता करो की गल है की नहीं है की नहीं है फटाफट इन्होंने ये परिवार ने कहा चुको डेड बॉडी वो पुलिस बुलानी चाहते ही परिवार वो कहते नहीं डेड बॉडी चुको फटाफट लै जाओ नहीं तो पुलिस को अं जाके कह देंगे कि मतलब जी साड़ी मोटर से चोरी करना आया ये तो मरिया मतलब ये डर का परिवार उसे चुके लै सर साड़ी मंग यह है कि जो ये परिवार ना होया नजायज़ होया बिल्कुल हकीकत है जो की है इनवॉल्वमेंट पूरी है पाड़ा परिवार की तो SSP साहब ही मिलेंगे कल थोड़े राही अं भी यह गल चाहते हैं भी जे इन्होंने इंसाफ नहीं मिले सानू भी शक है कि कुछ मेरे परचे चो कढ़न की कोशिश कर रहे हैं अपने इन्हों दोषियों हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हैं मेडिकल च करे कि कुछ करे पर जे कुछ होया असी बड़े तगड़े संघर्षता करांगे कोई इस वेले कोई पार्टी लैवल की गल नहीं चलती पर अं जे कानून लोड़ पई नौबत आई पार्टी लैवल तक अपनी पार्टी ने ही सलाह करके जे इन्हों इंसाफ नहीं मिले दोषी नहीं फड़े दोषी नहीं फड़े।